आज नींद से मैं बहुत लेट उठी हूँ, बहुत लेट उठी हूँ। कल रात को मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा पता नहीं, बिग बॉस देखते देखते मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला, डिनर भी नहीं किया मैंने। मेरा मम्मी देखा मेरा भूखा रही, इसलिए मम्मी ने भी उठाया नहीं। मम्मी सोच रही ठीक है सो रही है तो सोने दो, तो मैं सो गई थी। तो कल मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। अभी मैं नींद से उठी हूँ, अभी बज रहे हैं 10:15। अभी उठी, अभी मैंने चाय पिया, तो बस यही चल रहा है। आगे देखते रहिए क्या क्या होता है। और हाँ यार, एक बात बताना है, मैंने फ्लिपकार्ट में एक माइक होता है, उस माइक को ऑर्डर किया हूँ। देखते हैं कब तक आएंगे। फ्लिपकार्ट से मैसेज आ गए हैं जी डिलीवरी हो जाएंगे आज, देखते हैं आज होता है कि नहीं। चलिए मैं थोड़ी देर के बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड, मैं आपको सुबह बता रही थी कि मैंने ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से एक माइक को, क्योंकि मेरा वॉइस क्लियर नहीं आता है, जब भी आता है तो वॉइस पूरा फट जाता है, इसीलिए मैंने एक माइक ऑर्डर किया है। इसको अभी अभी पैकेजिंग पूरा है, इसको खोल लेती हूँ, आपके सामने ही खोल रही हूँ मैं। पैकेजिंग तो नॉट ओके, ओके बट उसने अच्छे से पैकेजिंग नहीं करके भेजा। देखते हैं, एक कार्ड बॉक्स के अंदर आए हैं। देखिए इसके अंदर है, तो शॉक आ गया, माइक का है इसका। ओ नो, ये किसी का दूसरे का क्या भेज दिया। गलत डिलीवरी दे दिया, क्या दे दिया इसमें। मैंने तो माइक ऑर्डर किया था, किसी का स्क्रीन टूट, वो भी टूटा हुआ स्क्रीन देखिए भेज दिया फ्लिपकार्ट से। अब इसको कॉल करना पड़ेगा तुरंत। आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने ऑर्डर किया था माइक के लिए, लेकिन मुझे क्या दिया है देखिए, वो भी टूटा हुआ दिखा रहे हैं आपको। रुकिए मैं माइक पहले कैमरा को सेट, मैंने सेट कर लिया। ये देखिए, मुझे मैंने ऑर्डर किया था माइक के लिए, लेकिन मुझे क्या दिया है देखिए फ्लिपकार्ट से, वो भी टूटा हुआ देखिए स्क्रीन, वो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन बोलते हैं ना, ग्लास जैसे जो क्या मोबाइल का होता है, वो भी दिया है टूटा हुआ देखिए। फ्लिपकार्ट में ये कैसा कर दिया, मेरा तो पोपट कर लिया पूरा, ऊपर से 1200 लेके भाग गया। कॉल करूं कॉल भी नहीं जा रहे हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, मेरा फ्लिपकार्ट के साथ ये पहली बार बैड एक्सपीरियंस बोलिए हुआ है। मैंने ऑर्डर किया था माइक ऑर्डर किया। तो फ्रेंड, मैं अभी आ गई हूँ छत के सीढ़ियों में, क्योंकि घर में थोड़ा बहुत चिलंगली हो रहा है, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट में ऑर्डर किया था एक माइक को। और मैं आपके मैं बगल में फोटो दे दूँगी मैंने क्या कौन से माइक को ऑर्डर किया था, और मुझे फ्लिपकार्ट से मुझे क्या भेजा आपको दिखा रही हूँ। पहले मैं दिखा दिया आपको, फिर भी मैं ठीक से आपके सामने मैंने पैकेजिंग को खोला, ओपन किया है। मैं बहुत फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत डिसअपॉइंट हो गई हूँ, क्योंकि देखिए बॉक्स खुलते ही तो मेरा होश उड़ गया है, मुझे क्या उन लोगों ने भेजा। एक जो मोबाइल का जो ग्लास होता है उसको भेजा है, वो भी ऊपर से टूटा हुआ। देखिए कैमरे में नहीं पकड़ पा रहे हैं, टूटा हुआ है,
पूरा यहाँ से टूटा हुआ है, देखिए यहाँ से देख पाएंगे शायद, देख पा रहे हाँ यहाँ से दिख रहे, देखिए यहाँ से टूटा हुआ है, ऊपर से टूटा हुआ। मैंने ऑर्डर क्या किया, ऑर्डर ऑर्डर में क्या देखे गए, तो मेरा तो मूड पूरा ऑफ हो गया है। ऊपर से उन लोगों को फोन कर रही हूँ, फोन रिसीव नहीं कर रहे, फोन कट ही हो जा रहे हैं, और इसको ऑर्डर कैसे रिटर्न करना है वो मुझे पता नहीं है। रिटर्न कर देंगे मुझे, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा ये रिटर्न हो पाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी देख मैं दिखा रही हूँ, इसमें कुछ भी इसका कोई भी पेपर नहीं है। इसके अंदर ये पेपर था, इसके अंदर एड्रेस भी नहीं लिखा हुआ है, कैसे इसको रिटर्न करें उसका भी ठीक से जो एड्रेस है नहीं दिया हुआ। देखिए यहाँ पर एड्रेस रहता है, फ़ोन नंबर रहता है रिटर्न करने के लिए, या कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ रहते हैं वो नहीं है, पूरा धुंधला है, अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गया है। इसको कैसे रिटर्न करें, तो मैं क्या कुछ, मेरा तो मूड ऑफ हो गया है, मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी देखना है इसको कैसे रिटर्न करना है। इसीलिए इसी मैं आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और मेरे साथ जो बैड एक्सपीरियंस हुआ मैं आपके साथ शेयर किया। प्लीज़ आप कभी भी फ्लिपकार्ट से नहीं, किसी भी फ्लिपकार्ट से ही मैं बताऊंगी, क्योंकि मेरा बैड एक्सपीरियंस इसी के ऊपर थे, इसलिए इसी के ऊपर बोलूंगी। आप किसी भी फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज़ आप ऑर्डर करेंगे तो पहले ठीक से देख लिया कीजिए, जे उसमें रिटर्न होगा कि नहीं, क्या कुछ है, सब कुछ देख लीजिए, उसके बाद ही सब ऑर्डर कीजिएगा। पता नहीं इस चीज़ का मैं क्या करूँ, टूटा हुआ ग्लास को मैं क्या करूँ, मोबाइल ग्लास को लेकर मैंने ये ऑर्डर नहीं किया था, बार बार एक ही बात दोहरा रही हूँ, पता नहीं क्या। इसके बाद से ना मेरे मन में डर पैदा हो जा रहा है कि ऑनलाइन किसी चीज़ का ऑर्डर करूँ या ना करूँ। मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मैं ऑनलाइन बहुत शॉपिंग करती हूँ, ऐसे एक्सपीरियंस में मेरे साथ पहली बार हुआ है, तो इसीलिए बहुत थोड़ा सा डर गई हूँ कि नेक्स्ट टाइम कुछ भी ऑर्डर करने जाऊँगी तो ऐसा लग रहा है ना मैं इसको कचरे के डिब्बे में फेंक दूँ। लेकिन सुमित बोल रहा है रखो, मैं देखती हूँ कि किसी भी तरह से इसको भेजा जा सकता है, ऑर्डर को भेजा जा सकता है कि नहीं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, बैड एक्सपीरियंस के साथ मेरा मूड का तो धजिया उड़ चुका है। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय।